याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 2022 के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर क्लास टेंथ के लिए वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब सिद्ध करके बताना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। यदि संभव हो, इसका प्रूफ थोड़ा सा गजब है, यदि संभव हो तो मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया भाई, देखिए सही बात है कि गलत बात है। अभी तो मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब 5 - √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाला फैसिलिटी खोजिएगा कि नहीं खोजिएगा। तो 5 - √3 में परिमेय संख्या वाला फैसिलिटी आ जाना चाहिए। चलिए इसलिए हम लिखते हैं 5 - √3 बराबर a/b। आपको मालूम है कि जो संख्या a/b के रूप में रहता है, जहां b≠0 और a और b एक के अलावा और किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए, ये परिमेय संख्या का फैसिलिटी होता है, गुण होता है, ठीक ना। यानी a b का HCF 1 होना चाहिए। अब a और b दोनों पूर्णांक है। हम ऐसा करते हैं, 5 ये प्लस a/b को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो -a/b हो जाएगा। अब बराबर के बाद क्या, √3। अब 5 पूर्णांक है, a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, तो 5 में से a/b को हम घटाएंगे तो यह एक पूर्णांक ही होगा, यह एक पूर्णांक ही होगा। तो और पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। पांच माइनस ए बटा भी परिमेय संख्या हो गया, और √3 हम साबित करके बताए हैं आपको कि यह अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये शोभा देता है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या शोभा देता है, तन को शोभा देता है, नहीं ना देता है। हाँ, तो कहने का मतलब हुआ कि हम तो यहाँ गलत कल्पना कर लिए थे। हमने 5 - √3 को परिमेय संख्या मान लिया तो यह अनाप शनाप चीज मिलेगा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि कहीं संभव नहीं है। तो स्पष्ट है कि हमारी मान्यता गलत थी, स्पष्ट है कि हमारी मान्यता गलत थी जी। हमने जो कल्पना किया था, हमने जो 5 - √3 को परिमेय संख्या मानने का कल्पना किया था, यह गलती हो गया था। इसीलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया रूल। क्वेश्चन सेम आए तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे जरूर पूछेगा 2 नंबर में। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं 9 नंबर सवाल लेकर।